Hello everyone, I'm Amritansu Roshan. I welcome you all in free online learning. Let's continue our topic, air conditioning. तो air conditioning के last session में हमने psychometry relations के बारे में देखा था, psychometry के property के बारे में जाना था. तो पिछले session में हमने air conditioning के basic concept को समझा था. तो air conditioning basically है क्या? एयर कंडीशनिंग ह्यूमन कंफर्ट के लिए किसी पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस में अपने इच्छा अनुसार अगर हम आर्टिफिशियल एटमोस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर कंडीशनिंग. तो अपने ह्यूमन कंफर्ट के लिए अपने चारों ओर अपने अनुकूल वातावरण को आप अगर बना पा रहे हैं, उसे कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एयर कंडीशनिंग. तो एयर कंडीशनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म मैंने डिस्कस किया था, दैट वाज ह्यूमन कंफर्ट. और ह्यूमन कंफर्ट को जब तक माय डियर स्टूडेंट आप नहीं समझेंगे, तब तक एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट पे आपका पकड़ नहीं बनेगा. यूजुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में हम हीट इंजन, मशीन्स, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यह सब्जेक्ट है जो कि काफी कंसेप्चुअल नॉलेज है और थोड़ा बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी है ना. बहुत सारे डिसिप्लिन्स के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. बट इसे अगर इसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है. मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन कंफर्ट जो है वो तीन चीजों पे हमारा मेनली डिपेंड करता है. पहला था टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट एयर, दैट इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर. दूसरा हमारा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एम्बियंट एयर. और तीसरा था एयर वेलोसिटी, या जिसे हमने विंड वेलोसिटी भी कहा था. ये तीन हमारे मुख्य फैक्टर है जिसपे हमारा ह्यूमन कंफर्ट डिपेंड करता है. लेकिन उससे पहले जब हम ह्यूमन कंफर्ट की बात करें, तो उससे पहले हमें ह्यूमन को समझना होगा ना, ह्यूमन बॉडी को समझना होगा ना. तो जिस तरह से थर्मल हीट इंजन, हम थर्मल हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं, तो हीट इंजन अगर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है तो वो अपना एक टेम्परेचर मेंटेन रखता है और उसके बाद हीट का कन्वर्जन वो वर्क में करता है. उसी तरह मैं आपको बता रहा हूं, ह्यूमन बॉडी भी हमारा एक हीट इंजन की तरह है. आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, और इस हीट इंजन की एफिशिएंसी ओनली 20% है ना. तो मैं आपको बता रहा हूं, तो ह्यूमन कंफर्ट को समझने के लिए पहले हमको ह्यूमन को समझना होगा, ह्यूमन बॉडी को समझना होगा. इसलिए आज के सेशन में हम लोग ह्यूमन कंफर्ट की बात करेंगे, फिर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे. और थोड़ा सा आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बहुत सारे इंटरनल फेनोमेना है उसको आपको समझना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप ये समझ पाएंगे कि हमारा जो बॉडी है वो कैसे अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. आप सब लोग जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37°C रहता है, जिसे हम कंटिन्यूअसली हर हमेशा अपने आप को इस टेम्परेचर में मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं. ओके, यह जो करेक्टरिस्टिक है हमारे बॉडी का जिसे हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, यह पूरी तरह मेटाबॉलिज्म रेट पे डिपेंड करता है. मेटाबॉलिज्म रेट जिस तरह से आपका होगा उस हिसाब से ये होगा. अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है. चलिए तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं. तो ह्यूमन कंफर्ट में सबसे पहले हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे. तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी हीट इंजन की तरह बिहेव करता है. कैसा बिहेव करता है? हीट इंजन की तरह ना, ये बिल्कुल भी हीट इंजन की तरह बिहेव करता है, जिसमें कि इंटेक के तौर पे हम क्या लेते हैं? फूड जो लेते हैं वो एनर्जी हमारा इंटेक के तौर पे होता है. और इसका ना मैंने बताया था इस हीट इंजन का एफिशिएंसी ओनली 20% है. तो इस फूड एनर्जी का हम लोग इसके अंदर जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इस फूड का स्लो कम्बशन होता है ना. और स्लो कम्बशन के बाद यहां पे हमें एज ए वर्क आउटपुट मिलता है ना. उसके बाद 20% ही कन्वर्ट हुआ और 80% हीट जो है वो हमारा रिजेक्ट हो जाता है. कहां? सराउंडिंग में. तो यहां पे समझना होगा कि हमारा 80% हीट जो है वो सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाता है. तो हमारे बॉडी से कंटिन्यूअसली हीट डिसिपेट होते रहता है, रेडिएशन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा ना, इवोपरेशन के द्वारा. ये सारे प्रोसेसेस जो है हीट डिसिपेशन के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसके तहत हम अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री
मेंटेन रखते हैं। आपके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रखना ही हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है, और अगर आप इसको मेंटेन कर पाएंगे तभी आप आपका बॉडी जो है वो कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेगा, अदरवाइज फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी, जिस तरह से हीट इंजन का टेम्परेचर अगर आप कॉन्स्टेंट रखेंगे ना, तो कॉन्स्टेंट रखने के लिए उसमें बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं, उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हमारा कंट्रोल सिस्टम है। तो वैसो मोटर कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसके तहत हमारा स्वेट ग्लैंड होता है। आप देखेंगे जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिक स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा। जब आपका टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो आप में ठिठुरन आपको महसूस होगी, आपके हाथ पैर सिकुड़ने लगेंगे, आपको ठंड की अनुभूति होगी। बहुत ज्यादा जब गर्मी लगेगी तो स्वेटिंग होगा ना, प्यास आपको बहुत ज्यादा लगेगा। ये कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म ही है जो इसे कंट्रोल करता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि ह्यूमन बॉडी है ना जो कि हीट इंजन ट्रक की तरह बिहेव करता है, जिसमें हम फूड इंटेक लेते हैं, 20% ही ये कन्वर्ट होता है वर्क में, उसके बाद ये सारा हीट रिजेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम लोग इस जो फूड का कन्वर्जन, हमारा जो एनर्जी का जो फॉर्म चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब आपको हम लोग थोड़ा मेटाबॉलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है एंड हाउ मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड विद सराउंडिंग टेम्परेचर और हाउ इट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन कंफर्ट। ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। जब आप मेटाबॉलिज्म समझेंगे तभी आप मेटाबॉलिक रेट को समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसे ह्यूमन कंफर्ट से इंटरलिंक करेंगे। चलिए अब मेटाबॉलिज्म क्या है कि जैसे ही हम अपने शरीर में कुछ भी फूड एज ए इंटेक लेते हैं, वो फूड जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के तहत हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वहां पे हमारा जो भी फूड आइटम है उसे जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो उससे जो भी एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के रूप में हमारे बॉडी में रहता है, C6H12O6। आप क्लास 10 में ये इक्वेशन जरूर पढ़े होंगे, और यहां से हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, यहां पे आपको स्लो कंबशन होगा ग्लूकोज का, ठीक है, स्लो कंबशन होगा जहां पे हमारे पास 6CO2 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी हीट, और इसके साथ यहां से बहुत सारा हीट जो है हमारा रिलीज्ड होता है। तो आप क्या देख रहे हैं ना, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ग्लूकोज को डीकंपोज करते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, उसके बाद जो ये 686 कैलोरी है वो एटीपी के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है, जिसका यूज हम अदर एक्टिविटी सेलुलर एक्टिविटी के लिए करते हैं, और बहुत सारा हीट रिलीज होता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये हीट जो रिलीज हुआ, यही हीट कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी से डिसिपेट होते रहता है सराउंडिंग में, किस मोड के द्वारा, रेडिएशन द्वारा ना। चलिए तो मेनली दैट फेनोमेना इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब ये जिस रफ्तार से ना, जिस रफ्तार से फूड का डिकम्पोजिशन कर रहा है, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन कर रहा है, दैट रेट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म रेट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हो सकता है किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होगा, किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो रहता है, जिस वजह से आप जो देखते हैं किसी को भूख बहुत ज्यादा लगती है, किसी को भूख बहुत कम लगती है। तो अगर आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट है तो फूड बहुत जल्दी डिकम्पोज हो रहा है तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगा। तो जिन छात्रों को, जिन स्टूडेंट को भूख ज्यादा लगती है, तो आप समझिए कि आप बहुत स्वस्थ हैं और आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है। हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट अच्छा होना चाहिए ताकि डाइजेशन हमारा अच्छे से सारा चीजों में हो सके। चलिए ये मेटाबॉलिज्म हो गया। अब ये समझना होगा कि
जिस तरह से हम हीट इंजन में पढ़ते हैं कि हमारे पास फ्यूल होता है, फ्यूल का हम कंबशन करते हैं और कंबशन करने के बाद हमारे पास ढेर सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी कुछ उसी तरह काम करता है ना, बहुत सारी एनर्जी है जो, और ये स्लो कंबशन प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस हमारे बॉडी में चलता ही रहता है ना। तो दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग देखेंगे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज होने के वजह से, मेटाबॉलिक रेट में चेंज होने की वजह से क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर बदलता है, और बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा या घटेगा तो उस स्थिति में हमारा ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ कैसे उसे कंट्रोल करके 37 डिग्री को मेंटेन करता है। और जब हम इसको समझेंगे तब हम ह्यूमन कंफर्ट पे और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग जो है ना देखते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो किस तरह से इफेक्टेड है। और आपने क्या देखा कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी से ढेर सारे हीट रिलीज हुए। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन बॉडी का थर्मोडायनामिक्स समझना होगा ना। ह्यूमन बॉडी का थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं, हीट को हम लोग बैलेंस करते हैं ना। तो अगर आपका बॉडी 37 डिग्री सी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है कंटिन्यूअसली, आई कैन से वो एक तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में यही तभी होगा जब जो भी हीट बन रहा है ना, जितना हीट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा हीट हमारा सराउंडिंग में डेसिपेट हो जाए। तो वो इनर्जी बैलेंस आपको यहाँ पे करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बता रहा हूं। तो पहले तो आप समझ चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो हीट इंजन की तरह काम करता है जिसका इफिशियंसी कितना है 20%। ओके नाउ अब आपको समझना होगा कि इस बॉडी में कौन कौन से हीट सोर्स हैं और किस तरह से हमारा हीट आता है। तो सबसे पहले इसमें जो हीट डेवलप होगा वो किसकी वजह से होगा, मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो मेटाबॉलिज्म की वजह से बहुत सारे इसमें हमारे ना हीट प्रोड्यूस होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अभी आपने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। फिर उसके बाद जो भी एनर्जी आपके पास होगा, उसके बाद आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपका एनर्जी खर्च होता है। मैं मान रहा हूं कि W जो है आपका रेट ऑफ वर्क है, जो आप काम कर रहे हैं जिसमें एनर्जी खर्च हो रहा है। अब जो ये एनर्जी बच रही है, ये एनर्जी किसी भी हाल में अगर डिसिपेट नहीं होता है तो फिर वो आपके बॉडी में रह जाएगा, और अगर वो बॉडी में रह गया तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। बॉडी के टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाएगा उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वहां पे फिर वैसो मोटर कंट्रोल मैकेनिज्म आ जाता है, स्वेट ग्लैंड का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देगा। तो यहां पे ये जो हीट बच गया, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं आपको, अगर ये 1000 किलो जूल मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और मान लीजिए आपने 400 किलो जूल ही फिजिकल एक्टिविटी में बर्न किया है या खर्च किया है, अभी भी 600 किलो जूल हीट बचा हुआ है जिसे आपको डिसिपेट करना है। तो हमारे बॉडी से कंटिन्यूअसली हीट डिसिपेट होता है जो कि तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से है, पहला इवेपोरेशन, दूसरा रेडिएशन और तीसरा कन्वेक्शन। तो यहां पे आपके बॉडी से कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन होते रहता है, प्रेस्पिरेशन होते रहता है, तो यहां से हीट आपका कंटिन्यूअसली लॉस होते रहेगा ना। इसके बाद हमारे पास ना हीट जो है वो रेडिएशन के कारण है, और हमारा यहां पे कन्वेक्शन के कारण है। यहां पे मैं प्लस और माइनस का साइन लिख रहा हूं। प्लस या माइनस का साइन का मतलब है कि आइदर सिस्टम में हीट आ रहा है बाहर से, सराउंडिंग से हीट अंदर आ सकता है। कब आ सकता है? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा हो और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री हो, उस केस में जो है हमारे अंदर हीट आएगा। तो रेडिएशन जो है, रेडिएटिव हीट हमारे और अंदर आएगा, और उसके बाद कन्वेक्टिव हीट भी आएगा। ये दोनों सेंसिबल हीट है। और अगर हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम है तो उस केस में हमारे बॉडी से हीट रिलीज होकर सराउंडिंग में जाएगा। तो यहां पे प्लस माइनस साइन वही बता रहा है, ठीक है। और यहां पे प्लस माइनस साइन एक और है हमारा QS। QS क्या है? जो हमारे बॉडी टिश्यू में जो हीट डेवलप हो रहा है, जो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो हीट हमारा स्टोर हो रहा है टिश्यू में, वो हमारा हीट है। तो वो अगर स्टोर हो रहा है आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा,
तो वहां पे फिर प्लस साइन ले लेंगे, अगर वो घट रहा है तो फिर माइनस साइन ले लेंगे। इस केस में प्लस साइन का मतलब है कि हीट हीट इज लॉस टू सराउंडिंग, माइनस का मतलब है हीट इज गेन। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर ये बैलेंस इक्वेशन हमारा हो जाता है ना, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है थर्मोडायनामिक्स यहां पे लागू हो रहा है, हमारे एनर्जी बैलेंस है, तो आप कंफर्टेबल कंडीशन में रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, आप इस स्थिति में डेफिनेटली ये अनबैलेंस होता है और जिसके वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। बॉडी टेम्परेचर कम या ज्यादा होने से जिस तरह से एसी में थर्मोस्टैटिक कंट्रोल होता है, उसी तरह हमारे बॉडी में भी थर्मोस्टैटिक कंट्रोल होता है, जो कि वैसोमोटर कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमेशा 37 डिग्री मेंटेन रखता है। अगर 37 नहीं मेंटेन रखेगा उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो है मेटाबॉलिज्म हम लोग समझ चुके हैं, थर्मोडायनामिक्स हमने ह्यूमन बॉडी का समझ लिया, अब हम लोग वैसोमोटर कंट्रोल मैकेनिज्म को समझेंगे और किस तरह से, मैंने आपको बताया था कि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर पे निर्भर करता है और सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से मेटाबॉलिक रेट में चेंजेस होगा और उस वजह से हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म वर्क करेगा। देखिए कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैसो मोटर कंट्रोल मैकेनिज्म। चलिए, इसमें दो तरह की प्रक्रिया होती है। फर्स्ट जो है वो है वैसो डायलेशन, ठीक है, और दूसरी जो प्रक्रिया इसमें है दैट इज कॉल्ड वैसो कंस्ट्रिक्शन। और ये दोनों जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से जुड़े हुए, इस दोनों को कंबाइन करके हमने एक नाम दे दिया वैसो मोटर कंट्रोल मैकेनिज्म। अब समझना होगा कि इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है। चलिए, तो वैसो डायलेशन, डायलेशन का मतलब होता है, अगर इसको हिंदी में समझे, इसका मतलब होता है फैलना, और अगर कंस्ट्रिक्शन का मतलब समझे, इसका मतलब होता है नैरोइंग, संकीर्णन। अब आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए समर डेज में, खास करके ये जो कंडीशन होता है वो हमारा समर डेज में होता है, जब आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा हो, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा हो, तो क्या होगा ना, सिर्फ हमारा इवोपरेटिव हीट लॉस होगा लेकिन बाकी सारे हीट लॉस हमारे सिस्टम में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा है, आपके बॉडी का कम है, तो अब आपके बॉडी में हीट ज्यादा आ रहा है, राइट। हीट ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब आपके बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 37 से बढ़ के 38 हो गया, 39 हो गया, तो उस केस में आपके बॉडी में ऐसे इंटरनल मैकेनिज्म है जो उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है समझिए, वैसो डायलेशन का मतलब हुआ ना, डायलेशन मतलब फैसना। ये जो हमारे पास जो यहां पे आर्टरीज है, आर्टरीज जिसमें कि हमारे ब्लड वेसल्स हैं, तो यहां पे जो है हमारा आर्टरीज में, ये आर्टरी जो है हमारा डायलेट हो जाता है। डायलेट होने का मतलब होता है फैल जाता है, तो आर्टरीज अगर ये फैल गया, ये बड़ा हो गया, तो इसके यहां से जो हमारा ब्लड का ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही सर्कुलेशन हमारा इंक्रीज होगा ना, जैसे ही सर्कुलेशन आपका ब्लड का इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई,
और अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा है, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा है तो आई कैन से आपके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा ना, वैसोडाइलेशन मैकेनिज्म से में क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज है वो फैल जाती है, फैलने से क्या होगा कि उसको ब्लड को फ्लो करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है, जिसके कारण से तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई आपके शरीर में, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई इसका मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, और जैसे ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया तो आई कैन से दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट हमारा जैसे ही इंक्रीज होगा तो बहुत सारा हीट जो प्रोड्यूस हुआ था वो बहुत सारा हीट जो है सिस्टम में प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका हीट निकलना जरूरी है। जैसे ही ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो आपको मैं बताऊं हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जो सबसे एक तरह से थर्मोरिसेप्टर का काम करता है। थर्मोरिसेप्टर जो है ये सारे जो थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो एक तरह से सेंसर होते हैं जो हमारे माइंड में हैपोथैलेमस, थोड़ा सा मैं लाइफ साइंस के टर्मोलॉजी को यूज कर रहा हूं बट आपको ये समझना होगा, नहीं तो फिर आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। ये हैपोथैलेमस है, एक तरह से सेंसर की तरह है। जैसे ही ये हैपोथैलेमस इसका एक्टिवेट होगा, इसमें इंफॉर्मेशन आएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तुरंत जो है ये इंस्ट्रक्शन देगा जितने भी हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ना, जितने भी हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स जिसमें हमारे स्किन आता है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, उस सब को इंस्ट्रक्शन जाएगा ना कि आप इस बॉडी के टेम्परेचर को कम करिए, इस हीट को जल्दी से डिसिपेट करिए, नहीं तो फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ता चला जाएगा और 40 डिग्री के ऊपर गया तो आपका सडन डेथ भी हो सकता है, हीट स्ट्रोक आपको लग जाएगा जिससे कि आपका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्शन देता है किसको, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ना, जो हमारे सेंसर न्यूरॉन्स हैं, जैसे कि स्किन है ना, तो यहां पे क्या होगा कि जब हम देखेंगे तो यहां पे क्या होगा कि स्किन के अंदर ना हमारा यहां पे एक स्वेट ग्लैंड होता है, याद रखिएगा ये चीज माय डियर स्टूडेंट, क्या रहता है स्वेट ग्लैंड, स्वेट मतलब पसीना, ऐसी ग्रंथि जहां से हमारा पसीना निकलना शुरू होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि अगर आप धूप में चल रहे हैं, कड़ी धूप है, आप चल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आपको पसीना बढ़, क्योंकि जैसे ही आप धूप में जब ज्यादा चलेंगे तो हीट अंदर आपके शरीर के अंदर आ रहा है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको बैलेंस करने के लिए हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्शन देता है किसको, जितने भी न्यूरॉन्स हैं कि भैया अपना स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट करो। तो जैसे ही स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। अब ये जैसे ही स्वेटिंग स्टार्ट हो गया तो ये स्वेटिंग क्या होता है, आपके स्किन पे आ गया और ये आपके बॉडी को हीट को एज ए लेटेंट हीट लेके वो स्वेट जो है इवोपरेट हो जाता है। जैसे ही स्वेट इवोपरेट होगा दैट मींस आपके स्किन में इवोपरेशन हुआ, और आप जानते हैं इवोपरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना, इवोपरेशन जैसे ही होगा तो आपका हीट बॉडी का ले लिया तो आपको कूलिंग इफेक्ट फील होगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग को प्रमोट करेगा। इसके बाद चलिए, ये तो हमारा हुआ ही कि जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं और ये स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन जो है हमारे बॉडी से काफी फास्ट होने लग जाता है, हमारा स्वेटिंग काफी ज्यादा आने लगता है। अब बॉडी आपको हिंट देगा, कैसे हिंट देगा, जैसे ही आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा आपको प्यास ज्यादा लगेगी, थ्रस्ट की जरूरत होगी, पसीना ज्यादा आपको निकल जाएगा। बट अगर आप फिर भी वाटर इनटेक कंटिन्यूअसली नहीं ले रहे हैं, या मान लीजिए ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट अगर मान लीजिए आपके चारों तरफ जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो आपका पसीना क्या होगा, कभी नहीं सूखेगा, चिपचिपा जैसा रहेगा। और जब आपका पसीना नहीं सूखेगा तो आपके बॉडी से तो हीट निकला ही नहीं ना, तो वहां पे स्वेट ग्लैंड जो है अपना काम नहीं कर रहा है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। और आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है 37 डिग्री 38 डिग्री 39 38, तो ये टिल 39 तक तो हमारा बॉडी किसी तरह सस्टेन करता है ना। इसमें हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए, आपको टायर्डनेस फील हो, आप कुछ वोमिटिंग आपको हो जाए ना, आप हेडेक आ जाए, ये सब फर्स्ट स्टेज की बात है, लेकिन फिर भी आप
ध्यान नहीं दे रहे हैं और कंटिन्यूअसली हीट आपके अंदर बॉडी के आ रहा है ना, या ह्यूमिड इन्वायरमेंट में खास करके होता है कि आपका स्वेट नहीं सूख, जब तक स्वेट जो है इवोपरेट नहीं होगा तब तक आपको कूलिंग होगा नहीं ना। हाँ, वही अगर ड्राई वेदर है तो आपका स्वेट जो है बहुत आसानी से इवोपरेट हो जाएगा, और जैसे ही इवोपरेट होगा आपको कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहां जो इवोपरेशन है वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग जो है उसके ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यहां पे अगर इवोपरेशन एक्टिवेट हो गया तो स्वेट ग्लैंड से स्वेट अगर इवोपरेट होने लगेगा आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर वापस जैसे ही आपके बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हुआ, तुरंत जो है हाइपोथैलेमस को इंस्ट्रक्शन जाएगा कि हां सर, हमने इसके बॉडी का टेम्परेचर को कम कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समर में वैसोडायलेशन मैकेनिज्म के तहत आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। ये तो समर की बात हुई ना, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। डायलेशन जब होगा तो आर्टरीज हमारा फैल जाएगा, आर्टरीज फैलेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो हीट भी बहुत ज्यादा होगा, और अगर जो हीट बन रहा है उसको अगर डिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्वेट ग्लैंड रहता है हमारे स्किन के अंदर ना, वो एक्टिवेट हो जाता है, आपको स्वेटिंग काफी बढ़ जाएगी, और वो स्वेटिंग जो है कहीं ना कहीं अगर इवोपरेट हो गया स्वेट तो आपको कूलिंग इफेक्ट देगा और आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। चलिए, ये कहीं ना कहीं हमारा वैसोडायलेशन था। अब हम इसका अपोजिट देखते हैं विंटर में। विंटर में मान लीजिए अगर आपका टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर 37 डिग्री से कम है, तो यहां पे फिर एक और मैकेनिज्म वर्क करेगा जिसे हम लोग बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब है सिकुड़ना, नैरो हो जाना। तो यहां पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि हमारा आर्टरीज जो पहले फैला हुआ था वो अब और नैरो हो जाएगा, मतलब आई कैन से दैट सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ जाने के बाद जो ओरिजिनेटेड ब्लड सर्कुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में घट गई, ऑक्सीजन की मात्रा घट गई तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो गया, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो गया तो आपका हीट प्रोड्यूस भी आपके अंदर कम हो रहा है ना। तो जब हीट आपके अंदर अगर प्रोड्यूस कम हो रहा है तो यहां पे आपका बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा, हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना। अच्छा, ठंड के दिनों में क्या होती है कि हमारा स्किन जो है इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं ना, तो टेम्परेचर कम होने के वजह से ना आपके जितने भी स्केलेटन मसल्स हैं वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, आपका जो ब्लड वेसल्स है वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये स्किन है, स्किन में जो छिद्र होते हैं, स्वेटिंग तो आपको होगी नहीं, वो हीट निकल नहीं पाएगा। ठीक है, यहां पे जो हमारे स्किन में जो ये हेयर होता है यह भी जो है कहीं ना कहीं आप देखते होंगे ठंड के दिनों में आपके ये जो बाल है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, काफी स्किन जो है वो जो उसपे बाल होते काफी टाइट हो जाते, तो वहां पे एयर का एक इंसुलेटिंग मीडियम बन जाता है, एयर का एक सतह, ऊपरी सतह स्किन के ऊपरी सतह पे एयर का एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाता है जो कि हीट को जाने नहीं देता है। और हीट अगर नहीं जाएगा तो डेफिनेटली आपके बॉडी के टेम्परेचर अगर कम हो गया है तो उसको वो बैलेंस कर देगा, इंक्रीज कर देगा ना। तो ये हमारा वैसो कंट्रिक्शन है जिसमें कि हम बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। आप देखते हो ठंड में आपका देह सिकुड़ने लगता है, वो इसी वजह से ना, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट घट जाती है जिसके वजह से जो है स्केलेटन मसल सारे सिकुड़ जाते हैं ना। ये हमारा बॉडी का इंटरनल फेनोमेना है। ये दोनों मैकेनिज्म मिला के हम लोग बोलते हैं वैसो मोटर कंट्रोल मैकेनिज्म। तो आप देख सकते हैं कि अगर सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू और है कि अगर आप अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हो गया तो आपको क्या क्या हो सकता है, दैट मीन्स व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ हीटिंग ऑफ योर बॉडी ना। अगर आपका बॉडी ज्यादा गर्म हो रहा है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, इस पे एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए आपके बॉडी का टेम्परेचर अभी जो है 37 डिग्री सी है, अब जो है लेट सपोज आपके समर सीजन में ना, समर सीजन में आप टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ के मान लेते हैं 37 था,
38°C, 39°C, 40°C, 41°C इस तरह से बढ़ रहा है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होगा, फिर हमारे इवोपरेशन फास्ट होगा। अगर ये फास्ट नहीं हो रहा है ना, सारे स्वेट्स आपके नहीं निकल पा रहे, तो ये टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो 37 से 38, 39 टिल तक ये इनिशियल फेज है। यहां पे आपको जो है हेडेक हो सकता है, टायर्डनेस होगा, आप जल्दी थक जाएंगे, आपको चक्कर आ सकता है, ये सब इनिशियल स्टेप है। फिर भी अगर आप करेक्टिव स्टेप नहीं लेंगे, व्हाट आर द करेक्टिव स्टेप्स, आप ठंडा पानी, ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटेक करिए ना, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ही धूप से बचाइए ना। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कंटिन्यूअसली धूप में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पानी आपको नहीं मिल पा रहा है, शरीर स्वेटिंग पे स्वेटिंग हो रहा है, अगर स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपके शरीर का जितना भी वाटर है वो सारा जो है निकल जाएगा ना, और उसके बाद फिर आपके अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप फैंट हो सकते हैं, चक्कर आपको आ सकता है। और अगर फिर भी आप नहीं करेंगे ना, तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड हीट एग्जॉस्ट, जिसमें कि आपको थकान हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है। दूसरा इसका एक और कॉन्सिक्वेंसेस है, वो है हीट क्रैम्प। आप अपने बॉडी को फिर भी हीट हो रहा है तो आपके जो काफ और थाई मसल्स है वहां पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो रहा है लेकिन उतना ऑक्सीजन का सप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा, जिस वजह से आपके थाई मसल्स और काफ में जो है, काफ मसल्स में वहां पे आपको लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जो कि क्रैम्प का रूप ले लेता है। आप लोग अक्सर हाथ देखते होंगे, खास करके क्रिकेट मैच में, जब विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी जब अगर 50 ओवर 40 ओवर तक खेलते हैं और गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो उन लोग के भी थाई में क्रैम्प आ जाता है। तो वो क्रैम्प जो है वो कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के वजह से ही होता है ना। वो लोग कंटिन्यूअसली रनिंग रहते हैं, वाटर इनटेक उतना हो नहीं पाता है वहां पे ना। अगर फिर भी आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और 40°C पे आपका बॉडी और टेम्परेचर चला गया, तो थर्ड स्टेप है वो है हीट स्ट्रोक, जिसे हम लोग लू कहते हैं ना, हम लोग बोलचाल की भाषा में इसे लू कहा जाता है ना। हीट स्ट्रोक लगेगा और वहां पे ब्रेन पे आपको सीवियर इंजरी होगी, ब्रेन का टेम्परेचर यहाँ पे काफी बढ़ जाएगा, हाइपोथैलेमस काम करना वर्क करना बंद कर देगा ना, और एक्सट्रीम कंडीशन में आप इमीडिएट वहां पे मर भी सकते हैं, आपका डेथ भी हो सकता है ना। देखते होंगे कि जब लोगों को लू लगता है तो सबसे पहले एक जो बेसिक ट्रीटमेंट के तौर पे हम लोग अगर करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति को लू लगा है उसको हम लोग ठंडे पानी में उसके सर को डुबो देते हैं तुरंत इमीडिएटली, सो दैट कि जो उसके सर में जो हीट है, उसके बॉडी में जो हीट है, क्योंकि माइंड जो ब्रेन है हमारा वो सबसे सेंसिटिव आइटम है, उसमें हाइपोथैलेमस होता है, वो अगर आपका फंक्शनिंग करना बंद कर दिया तो फिर आप जो है सडन डेथ की ओर चले जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। आप देखते होंगे ये बेसिक उपचार है कि अगर किसी को लू जैसा लग रहा है तो उसे तुरंत जो है ठंडे पानी से नहा दीजिए, उसके सर को डुबा दीजिए, उसको ठंडे कपड़े से पोंछ दीजिए, तो ये सब करके आप जो है बच सकते। अगर आप फिर भी अगर वाटर इंटेक लीजिए तुरंत ठंडे जगह में, इनको गर्म जगह से लेके आइए, नहीं तो फिर जो है सडन डेथ भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेज है अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस सेशन में हमने क्या देखा, ह्यूमन कंफर्ट के बारे में देखा, हमने ह्यूमन बॉडी के थर्मोडायनामिक्स को देखा और मेटाबॉलिज्म और कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ह्यूमन बॉडी को देखा। लेकिन इसमें अभी एक पहलू और बचा है। एक पहलू क्या है कि ये ह्यूमन कंफर्ट जो है यह टेम्परेचर, एम्बिएंट के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से किस तरह जुड़ा हुआ, मैंने थोड़ा हिंट भी आपको दिया है, इसको हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके शरीर से स्वेटिंग हो रहा है और वो इवोपरेट नहीं हो, जैसे कि ह्यूमिड क्लाइमेट है जो ऑलरेडी वाटर वेपर हवा में पहले ही बहुत ज्यादा है, तो आपके शरीर से स्वेटिंग नहीं सूखेगा ना, स्वेट जो है वो नहीं इवोपरेट होगा, जिस वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर कम ही रह जाए, तो वहां पे आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अगर ड्राई वेदर है तो वहां से स्वेटिंग इवोपरेशन अगर फास्ट होगा तो वहां पे जो है कूलिंग इफेक्ट आपको मिलने लगेगा। चलिए, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कि जो इंडियन क्लाइमेट है वो वहां पे आप अगर देखेंगे तो बैंगलोर में जो है बहुत अच्छा वेदर रहता है, वहां पे ड्राई वेदर, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा नहीं होती है। अक्सर हम देखते हैं लोग टेम्परेचर में बात करते हैं कि यहाँ गर्मी ज्यादा है, आज गर्मी कम है,
जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं और जिनको खास करके एयर कंडीशनिंग का ज्ञान होता है, दे टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी, वो ह्यूमिडिटी में बात करेंगे ना, टेम्परेचर में तो कोई भी बात करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप एलाइड ग्रुप में शामिल होने वाले हैं। पढ़ने के बाद आप भी ह्यूमिडिटी में समझेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसको हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये दोनों किस तरह से हमारे ह्यूमन कम्फर्ट से जुड़ा हुआ है, और हम देखेंगे कि ह्यूमिड क्लाइमेट है वो कोस्टल एरियाज में ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग इनलैंड एरिया में हैं, जो हम लोग अभी पटना दिल्ली ये सब जो लोकेशन से, वो इनलैंड एरिया, यहाँ ड्राई वेदर रहता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा ना। चेन्नई में टेम्परेचर कभी भी 37-38 से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है। वहां आप सुबह देखेंगे तो आपको उसकी बूंदे मिलेगी, पर हमारे यहाँ गर्मी में नहीं होती है ना। ये सब क्यों होता है, ये ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड विद द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। एंड वन मोर थिंग, दैट इज रेट ऑफ इवोपरेशन। आप इवोपरेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो अगले सेशन में हम लोग पहले इवोपरेशन और बॉइलिंग को समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब तक आप इवोपरेशन को नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है इवोपरेशन और ह्यूमिडिटी को नहीं जोड़ पाएंगे, टेम्परेचर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको एयर कंडीशनिंग में, ह्यूमन कंफर्ट में आपको फिर दिक्कत होगी। तो चलिए अभी हम लोग यहीं पे इस सेशन को स्टॉप करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, मेरा यही पर्पस है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा, जिसमें कि हम लोग ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की बात करेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है हमारे ह्यूमन कंफर्ट में ना। चलिए तो ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।